एक व्यक्ति है जिसका नाम रतन लाल है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था और गांव में रहता था। बहुत सीधा साधा था वह। उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला तो वह लकड़ी काटने का काम करने लगा और लकड़ियां वह जंगल जाकर काटता और लकड़ियों को काटकर इकट्ठा करता और इकट्ठा करके उसका गट्ठर बनाता और गट्ठर बनाकर उन लकड़ियों को शहर में जाकर बेचता। जो उसे पैसे मिलते उसी से वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह लकड़ी बेचकर शहर से लौट रहा था कि उसका पुराना दोस्त माणिक चंद उसे मिल जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के हाल चाल जानते हैं। माणिक चंद अपने दोस्त रतन लाल की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। रतन लाल अपने दोस्त माणिक चंद से पूछता है कि तुम कैसे कामयाब हो गए और इतनी अच्छी हालत में दिख रहे हो। माणिक चंद उसे बिना पूंजी का डायरेक्ट सेलिंग व्यापार बताता है। रतन लाल इस काम को माणिक चंद से सीखकर अपने परिचितों को बताता है और लोग उसके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उसकी एक अच्छी टीम तैयार हो जाती है और वह टीम के अपने साथियों को भी इस बिजनेस को सिखाता है। डायरेक्ट सेलिंग के पैसे से रतन लाल एक शानदार मकान खरीद लेता है। उसका रहन सहन भी बिल्कुल बदल जाता है। वह बिल्कुल अप टू डेट और रईसों की भांति रहने लगता है। रतनलाल बंगले के साथ साथ एक शानदार कार का मालिक भी हो जाता है। तो देखा आपने डायरेक्ट सेलिंग का पावर।